सिंचन जल्दी गाड़ी पे बैठ, हमें कहीं पे जाना है। लेकिन भैया हमें जाना कहाँ पर है? अरे अरे तू जल्दी गाड़ी पे बैठ, मैं तुझे गाड़ी पे सब कुछ बताता। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अरे हाँ सिंचन, वो हमारा पोपट नहीं है, उसकी लड़ाई हो गई है और सामने वाले लोगों ने बहुत सारे लौंडे बुला लिए और वो मुझे बुला रहा है कि भाई जल्दी आ, यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, इसीलिए मैं और तू उसकी मदद करने जा रहे हैं। अरे भैया मुझे पहले ही बता देते, उनके लिए तो जान भी हाजिर है। जान वान चल रही है। ओए सिंचन ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, जल्दी चल, लड़ाई होगी अपने दोस्त की और मैं अभी इतना स्लो स्लो गाड़ी चला रहा हूँ। चलो लड़ाई में तो पहुंच गए, इसी गांव की बोला था कि उसकी गांव में लड़ाई होगी गांव वालों से। ओ ओ सामने वाले ने तो ये लौंडे इकट्ठे कर लिए बहुत सारे बाइक से। ओ यार मुझे लग रहा है कहीं हमारा पोपट पिट ना गया हो। चिंता मत कर भाई, वो इतनी जल्दी नहीं पिटेंगे, पर यार ये लौंडे तो बहुत ज्यादा इकट्ठे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 10-15 लौंडे तो होंगे सामने वाले। वो तो सही रहा कि मैं कट्टा लेके आया हूँ ना, अगर वो चैंटे जाता तो भाई उन्हें डराने के लिए तो काम आ जाएगा। सबसे पहले मैं पोपट को फोन लगा के पूछ लेता हूँ सिंचन की वो कहाँ पर है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया सिंचन, वो गाँव के बीचम बीच है तो हमें भी जल्दी से बीचम बीच जाना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपना कट्टा लगा लेता हूँ क्योंकि इससे वो लोग डर जाएंगे भाई, गेटअप लगेगा मेरा। मैं यहाँ पे हूँ। पीछे से आवाज आ रही थी। अरे ये तो पोपट ऐसा नहीं दिख रहा। अरे वो रहा पीछे आ रहा हमारा पोपट। पोपट क्या हो गया, किसी ने हाथ तो नहीं लगाया तेरे को? आज तू कौन है तो उसकी मदद करने आया क्या पोपट की? अरे तेरे लाल कर देंगे मार मार के, हमारी पहचान देगी, देख अभी कितने लौंडे इकट्ठे होंगे। अरे सही रहा सोन तू आ गया, मैं इनको कब से समझा रहा हूँ कि मुझे ऑफिस जाने दे, इन्होंने पता नहीं मेरे को ऑफिस में जा रहा था, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने मुझे पकड़ लिया और कह रहा है कि भाई अब तू नहीं जाएगा जब तक पैसे नहीं देगा। जी क्या बात हुई यार, इनकी भी तो गलती थी। अरे क्यों नौटंकी कर रहे हो यार, चुपचाप से जाने दो पोपट को और फिर कोई लड़ाई वड़ाई क्यों करना है यार। तू बीच में क्यों सिन दिया, वरना तुझे भी बताएंगे। चिल मार बना, एक थप्पड़े में चिल मरवा दूंगा तेरे को। तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को मारने की, इसको तोड़ दो फोड़ दो। तेरे बॉस को तो मैं जान से ही मार दूंगा, इसने गाली कैसे दी मुझे? कोई तो पुलिस को फोन लगाओ, इसने तो हमारे बॉस को मार ही डाला। ये क्या कर दिया सोन तुमने, तुमने तो किसी की जान ले ली, पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। हाँ पोपट तुम बिल्कुल सही बोले, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। ये क्या हो गया भाई, जल्दी से यहाँ से भाग लो। सिंचन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मर्डर मैंने किया और इसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी। नहीं मेरे भैया ने मर्डर नहीं किया, इनकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। सिंचन तू चिंता मत कर, मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाऊँ, उसके बाद मैं तुझे घर पे छोड़ दूंगा और मैं पोपट को भी बता दूंगा कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और मुझे यहाँ से कैसे भी करके तुम्हें घर पे छोड़ना होगा, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने मेरे साथ तुम्हें भी जेल में डाल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सिंचन मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़े खतरे में, क्योंकि पुलिस हमें कहीं से भी घेर सकती है। देख ओ यार ये सामने कहाँ से आ गई पुलिस। अरे यार मुझे कैसे भी करके सिंचन को बचाना होगा, मुझे कैसे भी करके सिंचन को घर पहुंचाना ही होगा। आखिरकार सिंचन हम घर तो पहुंच चुके हैं, अब तुम घर पे ही रहना। भैया लेकिन आप क्या करोगे? अरे नहीं सिंचन तुम मेरी चिंता मत कर, मुझे पुलिस को अपने आप को हवाले करना होगा क्योंकि मैंने गलती करी है, इसकी सजा मुझे मिलेगी। और पुलिस वालों बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं खुद को हवाले कर दूंगा। लेकिन भैया मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या? अरे हाँ पूछना सिंचन। मैं ये पूछना चाहता था भैया कि आपको पनीर की सब्जी भिजवाऊं जेल में या फिर आलू की? ओए सिंचन ये क्या बातें कर रहा है, लेकिन अगर मैं सामने वाले रास्ते से गया तो शायद पुलिस मुझे खत्म कर देगी, इसीलिए सिंचन मैं पीछे वाले रास्ते से जा रहा हूँ और तो अपना ख्याल रखना ठीक है ना। मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। नहीं, 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 मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आ गया, देखो देखो यहाँ से ये आ चुका है, इसको पकड़ लो जल्दी। अरे नहीं नहीं अरे मुझे मारना मत, मैं अपने आप को गिरफ्तार करता हूँ, मुझे पकड़ लो और जेल में डाल दो। ओए हर चोर ऐसे ही बोलता है, इसको पकड़ कर पहले इसको पिटाई दो उसकी थोड़ी, वरना क्या पता ये दोबारा भाग जाए। अरे ना पाए में लग गई यार, अब कैसे भगूंगा, अब तो पाए तोड़ दिए तुमने मेरे। अरे यहाँ मैंने इसको पकड़ लिया, गोले भर दिया उसके पाए में जिससे भाग ना पाए, जल्दी आ जाओ सारे पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाओ। बहुत ही ज्यादा मशक्कत के बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने जो है मुझे सबसे बड़ी जेल में डालने का फैसला लिया। ये जेल शहर की सबसे बड़ी जेल है और अब मेरे बचने के चांस 0.01% है। जो आप लोग सामने जो जेल देख रहे हो यही है मेरी जेल और इसके अंदर मुझे डाल दिया गया है। इस जेल से बचना इम्पॉसिबल है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो ये देखो, इस जेल के थर्ड फ्लोर पे है रोबोट की पूरी एक आर्मी जो मुझ में धुआं भर देगी अगर मैंने गलती से भी निकलने की कोशिश करी तो, और अगर मैं गलती से यहाँ से बच भी गया तो यहाँ सेकंड फ्लोर पे एक मैकेनिकल रोबोट जिसके पास बंदूक है, तो समझ लो मेरा क्या होने वाला। और इसके फर्स्ट फ्लोर पे है पूरा एक मैकेनिकल गन, रोबोट वाली गन जो कि ऑटोमेटिक है और ये मुझ में धुआं भरने के लिए सक्षम है। तो अब गई से आप लोग मेरा प्लान सुनो, सामने आपको एक प्लेन दिख रहा होगा और यहाँ पुलिस वालों की कुछ गाड़ियां हैं जिसमें एक स्प्लेंडर और एक ट्रोन बाइक है, और अगर मैं ट्रोन बाइक तक पहुंच के
उस प्लेन तक पहुंच जाता हूं तो शायद मैं अपनी जान को बचा सकता हूं और मुझे मिलने वाली है कल फांसी की सजा। और अगर मुझे इस सजा से बचना है तो मुझे इस जेल से निकलना होगा।